डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइडल कंप्यूटर सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और आज की इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के पार्ट 12 में क्लिप आर्ट और सेप कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर में क्लिप आर्ट और सेप कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसर्ट टैब के अंदर में क्लिप आर्ट और जो सेप्स ऑप्शन होता है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में होता है, और जब क्लिप आर्ट आप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब खुल के आता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट, और उसके अंदर में कई सारे ऑप्शन होते हैं। इस ऑप्शन को भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ सेप्स जब आप इंसर्ट करते हैं, सेप इंसर्ट करते हैं तो भी आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन आता है, और उस फॉर्मेट के अंदर में भी आपको एक अलग अलग तरह के कई तरह के ऑप्शन आते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं। इंसर्ट टैब के अंदर में कई सारे और ग्रुप भी है जिसको हम लोग को जानना है। बारी बारी से एक एक चीज़ों को हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी लोगों की ज़िंदगी बन सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो चैनल है ये है आइडल कंप्यूटर सेंटर के नाम से है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इस एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने दो चित्र इंसर्ट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा चित्र आपको बड़ा से दिखा दूं। दो चित्र मैंने इंसर्ट किया है। एक चित्र जो देख रहे हैं आप, एक बच्ची है कंप्यूटर चला रही है, और दूसरे चित्र में भी एक बच्ची है कंप्यूटर चला रही है, लेकिन दोनों चित्रों में आपको अंतर जरूर दिख रहा होगा। एक अगर चित्र की बात करें तो एक जो वास्तविक जैसे एक बच्ची का चित्र होता है और वास्तविक जैसे कंप्यूटर होता है, रियल तौर पर जैसे कीबोर्ड होते हैं, वैसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चित्र के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है कंप्यूटर चला रही है, लेकिन रियली तौर पे वो बच्ची कैसे है, उसका हाथ आपको कैसे दिख रहा है और ये कंप्यूटर कैसे दिख रहा है, एक्चुअली तौर में ना ऐसे बच्ची का हाथ होता है और ना ऐसे एक्चुअली में कंप्यूटर होता है। एक काल्पनिक तस्वीर है ये। इस काल्पनिक तस्वीर को हम क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं और क्लिप आर्ट के साथ साथ सेप कैसे इंसर्ट करना सीखते हैं इसको हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिप आर्ट को कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा पेज में नीचे जाता हूँ। क्लिप आर्ट तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चित्र का अगर आपको काल्पनिक तस्वीर चाहिए तो आपको काल्पनिक तस्वीर के लिए आप इंसर्ट टैब के अंदर में क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ, और कर्सर रखने के बाद मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक किया तो इस क्लिप आर्ट के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नाम का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, कंप्यूटर टाइप किया हुआ है, और कंप्यूटर से मिलते जुलते जो भी चित्र है यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको किस चीज़ का क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे मुझे बस का चाहिए तो मैंने बस लिख दिया। बस लिख करके जैसे गो करेंगे तो हमारे सामने कुछ बस से रिलेटेड आ रहे हैं क्लिप आर्ट। आपको सबसे पहले टाइप करना उस नाम को, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्टेड सर्च इन में सेलेक्ट एवरीवेयर नाम का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। एवरीवेयर करने से ये होगा कि आपको ढेर सारे चित्र मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑल मीडिया फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से गो करिएगा तो आपके सामने जो भी क्लिप आर्ट होंगे वो आ जाएंगे। ऐसे इस बस के नाम से एक ही है। इस क्लिप आर्ट को अगर आपको लेना होगा पेज पर तो आप इस पर क्लिक करके और ड्रैग करके ला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्लिक करके भी ला सकते हैं। तो ये क्लिप आर्ट लेने का तरीका है। अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ट्री का क्लिप आर्ट ले रहा हूँ, ट्री, और ट्री लिख करके गो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्री से रिलेटेड मेरे को यहाँ पे क्लिप आर्ट मिल रहा है। तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जब आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लिप आर्ट जब आप इंसर्ट करते हैं तो आप उस क्लिप आर्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मेट टैब के अंदर में आप जब जाते हैं तो आपके सामने ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऑप्शन है सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि पिक्चर इंसर्ट करने के बाद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिक्चर जब आप इंसर्ट करते हैं और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जब आप उस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो फॉर्मेट टैब खुल के आता है सेम टू सेम सारा का सारा ऑप्शन वही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इन सारी बातों को आप पुराने वाले वीडियो में देख ले ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, और मैं बाकी की बातें जो इसमें नहीं बताया है मैंने पिछले वीडियो में वो बात इस वीडियो में मैं बता सकूं।
तो आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि पिक्चर को लेने के बाद, क्लिप आर्ट को लेने के बाद जो फॉर्मेट ऐप खुल के आता है, उस फॉर्मेट ऐप के जरिए ब्राइटनेस आप पिक्चर क्लिप आर्ट का ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, कॉम्प्रेस पिक्चर का इस्तेमाल करके आप इस पिक्चर की क्वालिटी को कम या अधिक कर सकते हैं, आप इसके जगह पे कोई दूसरा क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट को रीसेट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को अगर आप फ्रेम में रखना चाहें तो फ्रेम में रख सकते हैं, क्लिप आर्ट को अगर आप कोई शेप में रखना चाहें शेप में रख सकते हैं, क्लिप आर्ट के अंदर में अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहें बॉर्डर लगा सकते हैं। सेम टू सेम ये ऑप्शन जो है पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बताया हुआ था वैसे ही मिलता जुलता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपने वो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उससे इस वीडियो में मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है शेप, इंसर्ट शेप। शेप क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी बना बनाया चित्र चाहिए तो आप शेप ऑप्शन की मदद से बना बनाया कोई चित्र शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप पोस्टर बना रहे हैं और या फिर आप कोई डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई शेप चाहिए तो आप MS वर्ड का शेप ले सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे एक शेप चाहिए इस तरह का, तो मैंने ये शेप लिया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया, जितना बड़ा आपको चाहिए वो लेके आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ही आप शेप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने एक शेप के अंदर में हरा रंग का एक रोटेशन का टूल आता है जिसके मदद से रोटेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक पीला रंग का एक आइकन दिखाई देता है जिसके माध्यम से आप उस शेप को अगर आप अपने हिसाब से उसको ड्रैग करना चाहें अंदर की तरफ बाहर की तरफ तो उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। शेप जब हम लोग नए सिरे से इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के सामने कई सारे फॉर्मेट टैब के अंदर में कई सारे ऑप्शन आते हैं। फॉर्मेट एक नया टैब आता है और इस फॉर्मेट के अंदर में कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम लोग कवर करते हैं। ये जो हो गया, यहाँ से आप और भी नए तरीके से कोई दूसरा शेप इंसर्ट करना चाहें तो वहाँ से आप नए सिरे से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो आइकन दिखाई देता है, ये आइकन क्या होता है? तो ये आइकन आपको एक खास कंडीशन में आता है जब आप अपने स्क्रीन पे कर्व नाम के आइकन को जब आप स्क्रीन पे लेते हैं। कर्व कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कर्व वाला मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हो गया कर्व यहाँ पर है, इसको मैं लेता हूँ। तो ये खासकर उसी कंडीशन में आता है जैसे मैं इस कर्व की मदद से कुछ मैंने बना लिया और यहाँ से इसको बनाने के बाद मैंने इसको फाइनली फिक्स कर दिया। अब इसको बनाने के बाद अगर आप चाहेंगे कि इस एडिट सेप इस सेप को एडिट करना चाहें तो आप इस सेप को एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट पॉइंट पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, जैसे क्लिक किया यहाँ पे तो एडिट पॉइंट आ रहा है कि अगर आप इस सेप को अपने हिसाब से करना चाहें तो आप इस सेप को चेंज इसका सेप कर सेप इसका जो है चेंज कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से आप चाहें तो कोई दूसरा रूप दे सकते हैं। तो ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग ये बातें। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है कि अगर आप इस शेप के अंदर में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइडल कंप्यूटर सेंटर डुमराव, और तो आप भी चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने अपनी पढ़ाई को जो है और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद से इसको बड़ा मैं कर लेता हूँ, और बाकी जो है इसका अगर आप कलर वगैरह बदलना चाहें तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर लिखावट का कलर बदलना चाहें तो फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करके लिखावट का कलर वगैरह भी बदल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग के अंदर में सेप के अंदर में अगला ऑप्शन है कि अगर आप इस सेप को अगर आप लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखावट लिखा इसलिए ये हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस हटा देता हूँ लिखावट को और नॉर्मली सेप जैसा पहले था वैसे ही कर लेता हूँ ताकि मैं वो सारे ऑप्शन को कवर कर सकूँ। तो जैसे मेरा सेप था पहले वैसे ही मैंने कर लिया, वो सारा कुछ मैंने हटा दिया। वापस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। अगर आप इस शेप के अंदर में कोई कलर भरना चाहें तो शेप स्टाइल के अंदर में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके माध्यम से कलर भर सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके माध्यम से भी आप इस शेप के अंदर में कलर भर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी शेप पर आप क्लिक करेंगे तो उस तरह का आपको कलर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैं शेप पर क्लिक कर रहा हूँ वो कलर मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग है के सामने कि अगर आप अपने हिसाब से कोई कलर भरना चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से कलर भरने का ऑप्शन है। इसमें से कोई भी आप कलर चुन सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को अपने शेप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप इसमें से न ही कलर भरना चाहें, नो फिल यानी कोई कलर नहीं भरना चाहते हैं, तो नो फिल का इस्तेमाल करके आप उस कलर के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप इसमें मोर फिल के द्वारा अगर आप इसमें कलर भरना चाहेंगे तो यहाँ पे कलर बनाने का ऑप्शन है। आप जो भी इसमें कलर बनाना चाहेंगे उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ओके करिएगा। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर का प्रभाव आपको दिखेगा। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर आप इसमें पिक्चर आप भरते हैं तो पिक्चर भी भर सकते हैं। आप इस सेव के अंदर में कोई पिक्चर भरना चाहें तो पिक्चर भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये पिक्चर भरता हूँ और ये जो अभी मैंने बनाया था आपको ये कलर मैंने भरता हूँ, इसको मैं भरता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने इस सेप के अंदर में ये कलर ये पिक्चर जो है आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे ग्रेडियंट भरना तो आप उसमें ग्रेडियंट भर सकते हैं। ग्रेडियंट में कई तरह के प्रभाव है, अलग अलग में आपको कई तरह के प्रभाव आपको मिलेंगे। जो भी आपको प्रभाव चाहिए उस पर क्लिक करिएगा। ग्रेडियंट को अगर आप देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा लाइट कोई कलर चुन लीजिए, उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट चुनेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के ढेर सारे प्रभाव अलग अलग तरीके के मिलेंगे। आप ग्रेडियंट में देख सकते हैं कोई हिस्सा ज़्यादा उजला दिखाई दे रहा है तो कोई हिस्सा ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर आप डार्क वेरिएशन वाला अगर आप चुनेंगे तो कोई हिस्सा ज़्यादा आपको काला रंग का दिखाई देगा और दूसरा हिस्सा जो होगा थोड़ा सा डार्क कलर का दिखाई देगा। इस तरीके से ये ऑप्शन है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगर आप इसमें टेक्सचर भरना चाहें तो टेक्सचर भर सकते हैं। अगर आप किसी भी शेप के अंदर में कोई टेक्सचर भरना चाहें तो टेक्सचर भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी शेप के अंदर में कोई पैटर्न भरना चाहें तो पैटर्न भर सकते हैं। पैटर्न के लिए यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन है। आप इसमें फॉरग्राउंड कलर कौन सा लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना चाहते हैं और उसके बाद इसमें से कौन सा आपको स्टाइल पसंद है, जो भी आपको स्टाइल पसंद है उस स्टाइल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिएगा तो आपके सामने वो भर जाएगा। आगे चलते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि इसमें मैं जो हूँ आउटलाइन दूँ शैडो सॉरी मैं इसके पहले इसका जो प्रभाव है वो मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके मेरी बातें। इसके अलावा आगे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर आप इसमें साइड से यानी आउटलाइन में अगर आप कलर जोड़ना चाहें तो यहाँ से आउटलाइन का कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउटलाइन का कलर बारी बारी से बदल रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ या वेट को और ज़्यादा मैं बढ़ा देता हूँ। उसकी जो चौड़ाई है मैंने बढ़ा दिया। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि बारी बारी से मैं जिस भी कलर पर क्लिक कर रहा हूँ उस तरह का कलर आपको बदल रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं, नो आउटलाइन। अगर आप कोई आउटलाइन नहीं चाहते हैं तो नो आउटलाइन कर लीजिए। इसका फ़ायदा आपको तब पता चलेगा जब आप फिल का यूज़ किए रहेंगे। फिल में जैसे मैं येलो कर लेता हूँ और येलो दिखाई दे रहा है और बाहर में आउटलाइन आपको रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आउटलाइन ना दिखाई दे तो नो आउटलाइन कर दीजिए। आपका जो बाहर में रेड कलर का ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया। अगर आप लेना चाहते हैं तो वापस क्लिक कर लीजिए तो आ जाएगा। इसके अलावा मोर आउटलाइन कलर में जा करके आप आउटलाइन के लिए कोई दूसरा कलर ले सकते हैं और दो दो रंग का कलर का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी जिस भी कलर पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ से उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं, इसके अलावा अगर आप इसकी मोटाई को बढ़ाना चाहेंगे तो आउटलाइन का मोटाई बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन का मोटाई बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन की मोटाई को घटा के दिखाता हूँ और राइट लाइन की मोटाई को बढ़ा के दिखाता हूँ। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है डैश। अगर आप चाहते हैं अपने आउटलाइन में डैश डॉट या राउंड डॉट जोड़ू तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जो भी आपको इसमें से पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ अगला ऑप्शन है एरो के नाम से। एरो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एरो तब दिखाई देता है जब आप सिंगल आप कोई शेप लेते हैं, सिंगल एक लाइन का कोई शेप लेते हैं। अगर आप इस पे लेंगे तो आपको एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि एरो जो होता है ऑप्शन वो आपको खास करके उस कंडीशन में दिखाई देता है जब आप सिंगल लाइन वाला या कोई ऐसा कोई शेप लेते हैं जिसका जो है पूरी तरीके से वो क्लोज ना हो, ओपन ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें ओपन ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो में जाता हूँ, एरो को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इस एरो की मोटाई को मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, और इसके बाद अब मैं इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं अब यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एरो में यहाँ पे कई तरह के एरो के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको एरो पसंद आए आप एरो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आगे चलता हूँ मैं, यहाँ से अगर आप शेप को चेंज करना चाहें तो शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ और शेप को सेलेक्ट करने के बाद इसके जगह पे अगर कोई दूसरा शेप मुझे चाहिए तो जो भी मुझे दूसरा शेप चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेप होगा वो चेंज होकर दूसरे शेप में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। अगला हम लोग के सामने ऑप्शन है अगला शेप आउटलाइन शेप शैडो के नाम से शैडो इफेक्ट के नाम से। मैं इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ यह है कि इसको जो मैं नॉर्मली
इसमें जो प्रभाव है मैं जोड़ देता हूँ, डैश डॉस हटा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे शैडो में अगर आप छाया जोड़ना चाहें शेप में, तो आप शेप में शैडो जोड़ सकते हैं, छाया जोड़ सकते हैं, जो भी आप छाया इसमें से पसंद है आप उसमें से ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे इसमें कि अगर आप मैं छाया का जो प्रभाव है, छाया का जो कलर है मैं चेंज करूँ, तो यहाँ से शैडो कलर में जाके आप छाया का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे छाया का कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगर आप इसमें चाहेंगे कि इस शैडो को जो है शैडो को थोड़ा सा शेप से ज़्यादा दूरी ले जाएं या नीचे की तरफ ले जाएं, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप जो है शैडो को आप लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं, या फिर आप अप डाउन कर सकते हैं। जैसे आप किधर साइड से आप दिखाना चाहेंगे छाया, जिधर साइड से छाया आप दिखाना चाहेंगे उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आप इस शेप को 3D बनाना चाहेंगे तो शेप को 3D बना सकते हैं। इसको मैं बनाने के लिए मैं पहले छाया वाला प्रभाव हटा देता हूँ। 3D बनाने के लिए 3D आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप 3D बनाते हैं तो उसका जो सामने का हिस्सा, और साथ ही साथ सामने का हिस्सा, और साथ साथ ऊपर का हिस्सा, और लेफ्ट साइड का हिस्सा या राइट साइड का हिस्सा भी दिखाई देता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है, हिस्सा दिखाई दे रहा है, और साथ साथ लेफ्ट का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी शेप को अगर आप 3D बनाना चाहें 3D बना सकते हैं। 3D का कलर अगर आप चेंज करना चाहें 3D का कलर बदल सकते हैं। इस इतना ही नहीं, अगर आप ऑब्जेक्ट को डेप्थ घटाना बढ़ाना चाहें तो ऑब्जेक्ट का डेप्थ घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका प्रभाव बढ़ते जा रहा। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा मैं इसको 0 कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे 0 ना करके 36 कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन उसका चेंज करना चाहें तो डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, जैसे जैसे मैं अलग अलग ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्शन उसका बदलते जा रहा है। इसके अलावा लाइटनिंग ऑप्शन के द्वारा आप उसको किस तरीके से किस तरफ से लाइट दिखाना चाहते हैं, जिस तरफ से लाइट आप दिखाना चाहेंगे उस तरफ से लाइट आपको दिखाई देगा, और बाकी वाला हिस्सा जो होगा थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा या फिर डार्क दिखाई देगा। तो जिस साइड से मैं इस पे देना चाहता हूँ प्रकाश उस पे आप दे सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप सरफेस ऑप्शन के जरिए आप इसमें किस तरीके से प्लास्टिक टाइप का या मेटालिक बॉडी टाइप का या वायर फ्रेम भी टाइप का किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आगे आप इस शेप को अगर आप चाहेंगे तो आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, शेप को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इसके द्वारा आप यहाँ से जैसे ऊपर नीचे घूम रहा है, इधर यहाँ से अगर आप लेफ्ट राइट घुमाना चाहें तो लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ये एक आपके सामने किस तरीके से ये सारे जादू हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आप पोजीशन ऑप्शन का यूज करके सेप को किसी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं करता ये हूँ कि एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं यहाँ से मैं रैंड कमांड ले लेता हूँ। रैंड कमांड के माध्यम से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस लिखावट को मैं दूसरे पेज पर ले जाता हूँ, और यहाँ से ये मेरा पेज हो गया, दूसरा पेज पर आ गया। इस पेज को मैं थोड़ा सा और भर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से इस मैटर को थोड़ा सा और भर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई शेप लेता हूँ, कोई शेप मैं लगाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के माध्यम से। मैं कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, सपोज मैं ये इंसर्ट कर लेता हूँ, और इस शेप को इंसर्ट करने के बाद ये शेप इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। अगर आप चाहेंगे कि ये शेप भी रहे और आपका ये लिखावट भी रहे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पोजिशन ऑप्शन का यूज करके बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका जो लिखावट है लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, और आपका जो मैटर है राइट साइड में आ रहा है ऊपर में। इसके अलावा इस पे आप क्लिक करेंगे तो बीच में आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में, इस पे क्लिक करेंगे तो मिडिल साइड में बीचों बीच में आएगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। इसके अलावा ये आप समझ पा रहेंगे मेरी बातों को, तो ये क्या ऑप्शन है आपको पता चल रहा हो यहाँ पे, कि जिस तरीके से आप जहाँ पे भी आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपका ये सेव ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपके सामने है ब्रिंग टू फॉन्ट के नाम से, सेंड टू बैक के नाम से। इसको भी मैंने पुराने वाली वीडियो में कवर किया है, पिक्चर वाली वीडियो में मैंने कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। टेक्स्ट रैपिंग को भी मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है, इस अलाइनमेंट का भी ऑप्शन को भी मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर किया है। ग्रुप का भी ऑप्शन कवर किया है, और रोटेट का भी ऑप्शन कवर किया है, और साथ ही साथ ये जो सेप हाईलाइट का ऑप्शन है इसको भी मैंने कवर किया है। सेप का अगर आप साइज बढ़ाना या घटाना चाहें तो सेप के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं सेप के साइज को बढ़ाना घटाना।
आप नॉर्मली रिसाइज करके भी तो बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ तो वहाँ से भी ऑप्शन दिया हुआ तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताया कि इंसर्ट टैब के अंदर में जब हम लोग क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर में जो फॉर्मेट टैब खुल के आता है उसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया कि जब आप क्लिप जब आप सेप इंसर्ट करते हैं और सेप इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से उस पर काम किया जाता है, और सेप को फॉर्मेट कैसे हम लोग कर सकते हैं फॉर्मेट टैब के जरिए मैंने सीखा। तो यहाँ तक रहा आप आज की क्लासेस, बाकी की बातें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको जो भी नया वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।